हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के ईवीएस के चैप्टर नंबर 24 को, जिस चैप्टर का नाम है वेब ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे क्लास। तो यहाँ पे हमें कुछ वेब दिए गए हैं, यानी कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं। तो ये हमें जोड़ना है, इनको मैच करना है। बाय नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कम्प्लीट बुक, यानी कि ये जो हम लोग का बुक है कंप्लीट हो चुका है, बस ये हम चैप्टर बचा हुआ है। यू हैव रीड अबाउट ट्रीज, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल एंड मैनी अदर थिंग्स। और हमने पानी के बारे में, पेड़ों के बारे में, घर के बारे में, जानवरों के बारे में और गाड़ियों के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रखा है। यू मस्ट हैव थॉट अबाउट देम एज वेल। Can you tell why did we try to know and think about all this? यानी कि क्या आपको पता है कि हम इन सारी चीज़ों को क्यों, मतलब जानने के लिए परेशान होते हैं? तो ये हमारा जो चैप्टर है इसका नाम वेब ऑफ लाइफ है। तो वेब ऑफ लाइफ कैसे, वेब ऑफ लाइफ का मतलब जिंदगी का जाल। तो जिंदगी का जाल कैसे हुआ? तो जैसे कि स्पैरो है, तो इसको हम एयर में मिला देंगे तो ये एयर में जाएगी, और फिर मून भी हम एयर में मिलाएंगे तो एक वेब जैसा ये बनने लगेगा। तो ये इसमें बोल रहा है। फिर इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चंस को हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस, आपको सबसे पहले एक पिक्चर ड्रॉ करना है। Now join your picture with line to all those things which you feel are needed for you to live. यानी कि फिर उस पिक्चर पे आपको लाइन बना के सारे को मैच करना है, कुछ मतलब जीने वाला चीज़ को। जैसे आप अपना फैमिली का ही कर लो, जैसे कि मैं एक कैट बना दी, साइड में एक काऊ बना दी और एक सेट बना दी, तो उसमें आपको जोड़ देना है उसको। तो ये इसमें बोल रहा है, हैव यू जॉइंट योर पिक्चर टू द हाउस, यानी कि क्या आप अपने हाउस से अपने पिक्चर को जोड़े हो। लेट्स सी विद व्हाट अदर थिंग कैन वी जॉइन द हाउस टू थिंक, व्हाट इज अ हाउस मेड ऑफ, यानी कि हम जानते हैं कि हाउस को कैसे जॉइन करते हैं। तो जो घर होता है वो किस चीज़ से बना होता है? वुड, ब्रिक, वुड यानी कि लकड़ी, ब्रिक यानी कि ईंट, क्ले यानी कि मिट्टी, वाटर यानी कि पानी। अब वुड कहाँ से मिलता है? वुड हमें ट्री से मिलता है। ब्रिक कैसे बनता है? तो पानी और क्ले से बनता है। क्ले कहाँ से आता है? तो सॉइल के अंदर से आता है क्ले। वाटर कहाँ से आता है? वाटर चाहे रिवर यानी कि नदी, पॉन्ड यानी कि तालाब, और फिर वेल, तो इन चीज़ से आता है पानी। तो ये हमने जान लिया। इट मस्ट बी क्लियर टू यू विद विच पिक्चर योर वर्ड्स यू नीड टू जॉइन द हाउस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पिक्चर आपको किससे जोड़ना है अपने घर से। In the same way, join all the things which others think related to them. While doing so, you might need to write the name of a few more things. तो ये आपको ऐसे related जोड़ना है सारा same way में। तो ये इसमें बोल रहा है, What have you finally got? A big web? क्या ये मतलब बहुत बड़ा बन सकता है वेब? वेब यानी कि जाल होता है। तो ये इसमें बोल रहा है, फिर इसमें बोल रहा है कि ये जो है ये आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। तो ये डिस्कस हमने कर लिया अपना चैप्टर नंबर 24। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। इनफैक्ट हमारा पूरा बुक कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।